तो दोस्तों यहाँ से एटलीस्ट हमने ट्रांसफर कर दिया है लिली को, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। रात गए हमारी पूरी फौज ने मिलकर ये पूरी सेटिंग कर दी है कंप्लीट। यहाँ आपको अंधेरे में नजर नहीं आएगा ना, रात हो चुकी है, लेकिन रात के इस पहर भी ना हम आपको बता रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। लेली कहीं से तो कैप्चर हो जा, अंधेरा तो बहुत हो चुका है, रात हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप सब देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। यार दोस्तों आपने रात को हमारी मेहनत देख ली ना, अब आपको मेहनत का रिजल्ट दिखाता हूँ क्या हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि लिली यहाँ पर आ चुकी है दोस्तों, और लिली के लिए यार ये देखे हमने कितनी माशाल्लाह प्यारी सेटिंग कर दी है। लिली लिली खुश हो ना यहाँ पर? लिली यहाँ पर खुश है, वो अपना गन्ना शन्ना भी खा रही है और साथ फल भी वो खाती है, सब कुछ खाती है। लिली कैसी हो? फ्रेंड्स आपको याद कर रहे हैं। लिली लिली को यार यहाँ पर बहुत प्यारी जगह मिल गई है। लिली क्या करना चाह रही हो? लिली कह रही है इस टाइम मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। तो यार दोस्तों वैसे यार लिली की जगह आपको कैसी लगी, पसंद आई? ये आपने कमेंट्स में जरूर बताना है। आज एक और गुड न्यूज है आपके लिए, पता क्या? आज हमारे यार बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में कुछ नए मेहमान आने वाले हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वीडियो स्किप ना करना, बस अभी जा रहा हूँ। चलें यार दोस्तों, यार निकल रहे हैं घर से बाहर। ये रोज घर से बाहर जाना हमारा पता नहीं क्या आदत सी, अब तो आदत सी होगी है यार मुझको ऐसे जीने की, है ना। अस्सलाम वालेकुम काशी भाई, थैंक यू जी। काशी भाई हमारे यार सब्सक्राइबर भी हैं और इन्होंने हमें वहीं से अप्रोच किया था, और साथ हमने इनका इन्होंने कहा यार ये देखिए मैंने ऐड भी लगाया हुआ है। तो भाई ने सेटअप बनाया हुआ है बिल्कुल ऊपर, इसमें सेंटीनेट भी बड़े प्यारे प्यारे सेंटीनेट भाई ने रखे हैं। ये भी माशाल्लाह ना बहुत प्यारी ब्रीड लग रही है यार माशाल्लाह। असल में यार मैंने देखा ऐड, ऐड के बाद जब मैंने रब्ता किया ना तो भाई ने कहा आप वो जाहिद भाई तो नहीं है? मैं कह लो जी कहानी मिल गई। तो अब फिर मैं भाई से मिलने भी आ गया। मैं माशाल्लाह इनकी वीडियो जो है बड़े शौक से देखता हूँ, यूट्यूब चैनल पे काफी इनके साथ सलाम है, मगर मुझे भी पता चला कि ये हमारे मुल्लेदार निकले। मान जी तो भाई को डबल डबल फायदा हो गया, मुझे भी डबल डबल फायदा हो गया हमेशा की तरह। आपको पता है ना यार एक बात बताऊँ सच्ची? जी जी। मेरे से तेरे से ज्यादा चलाक ना ये मेरी ऑडियंस है। अब आपने पता क्या करना है, हमेशा की तरह चूना लगा या नहीं लगा, अच्छी चीज थी या नहीं थी, ये कमेंट्स में बताना है। जेन्युइन कमेंट्स देने हैं इनके बारे में भी, इनके बारे में भी। ये भाई यहाँ पे ना फुल टाइम ना यहाँ पे भी इन्हें सेटअप रखा हुआ है, पूरा जाल छाल पूरा सिस्टम। यार ये दुनिया क्या कर रही है यार, इसने हर तरह की चीज रखी है, फील्ड बैग भी रखे हुए, ये देखें कितने प्यारे हैं, ये बड़े हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनके बच्चे ये अच्छा ये बायर इनके बच्चे हैं। अच्छा 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 माशाल्लाह येलो आइज के साथ ना, ये भाई कह रहा है ना येलो आइज की डिमांड भी ज्यादा है और सही है, इनका साइज इन कबूतरों जितना है। माशाल्लाह यार माशाल्लाह, इसमें तो आपने हर कलर रखा है सेंटीनेट में, सेंटीनेट ब्लू मैंने सेल कर दिया, ब्लू सेल कर दिए। ओए होए ब्लैक चेरी है जी, ये वाला ये सही। माशाल्लाह यार बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। और ये वाला शहजादा हमें मिलने जा रहा है जी, जैकोबिन हमारा। यार एक मिनट, ओ नहीं 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 गुस्सा नहीं कर यार, जो हम लेने आए हैं। और भाई कह रहे हैं इनकी फ्रिल ना मैंने खुद काटी थी, उसकी वजह क्या थी? ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए है इसकी भी येलो आईज। दोनों हम इनसे ले चुके हैं, कह रहे हैं पैसे ना दें मैं भाग जाऊं निकलूं। चलो यार नहीं यार घर पता है, ये होता है मल्लेदारी का फायदा। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ना वो अक्सर कहते हैं जब भी आप परचेजिंग करें हमें अपने साथ रखें। इनको मैंने बताया 7000 रुपया था, मैंने कहा जब आप आएंगे तो आपके साथ और प्यार उबत कर लेंगे। ये इसलिए कि जब इसको पता चला मलेदार है, जब पता चला YouTube चैनल पे ये वही हूँ। अब इन भाई के लिए ये है कि 500 रुपए में और छोड़ दूंगा, 6.5 तक की तुम्हें फाइनल कर, 6.5 में ये हमें दे रहे हैं भाई। अब आपने सही ईमानदारी में मेरा साथ नहीं देना, इनका साथ नहीं देना, इनका साथ नहीं देना, इनका नहीं देना, जेन्युइन बात करनी है। ये ना समझना कि यार ये वो इतने वो असल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, कोई ये ना कहे लोग ना कि यार वो चीज ही ओरिजिनल नहीं थी, पार्सल दिखाएं सारा कुछ, ये देखें ये बांधे में सारी स्पेसिफिकेशन सुन ली, अब आपने सिर्फ कमेंट्स देने जेन्युइन। मेरे दोनों शहजादे ना बहुत खुश है, वो कह रहे हैं कि यार ये तो हमने ना स्पेशल किसी जगह पे रखने हैं। अब ये जो है ना इनको यहाँ से निकालते हैं ना, इनको पता क्या अभी लव बर्ड्स वाले ना जो एक खाना खाली है ना फिलहाल हम इनको वहां रखते हैं। भागना नहीं, ओए 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 आ जाओ मेरा दोस्त, इधर आ जा, इधर आ जा, डरना नहीं डरना नहीं, इधर आ इधर इधर यार, बहुत प्यारे हैं दोनों। तब तक अभी इनको छोड़ना नहीं, पहले इनको छोड़ के आते हैं, आ जाए आ जाए। नया घर मार, नया घर मुबारक कर रहा, साथ ही काट लिए इतनी खुशी में, साथ ही उसने चक्की मार ली। जैकोबिन को यहाँ पर ला देते हैं जी, अब जैकोबिन यहाँ पर खुश रहेंगे। छोड़ दो छोड़ दो, अब नया घर तुम लोगों को भी मुबारक हो, खाओ पियो जियो फलो।
फूलो लव बर्ड्स ना लैटिनो जो हैं या लैटिनो है, विराट कोहली प्लेयर है, जो भी है यार बहुत खुश हैं और अपने अपने घरों में भी यार विराट कोहली ने तो अपना घर भी सिलेक्ट कर लिया यार। अब यार इनकी नेस्टिंग के लिए, क्योंकि लव बर्ड नेस्टिंग करते हैं ना दोस्तों, तो नेस्टिंग के लिए इनके लिए ना मैंने कुछ रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे यार लव बर्ड्स के साथ मैंने ये क्यों रख लिया स्टेडियम, क्योंकि सेंटर में तो यार इनके पर्दा है ना, ये इसको देख सकते हैं ना ये इसको देख सकते हैं, इसलिए मैंने फिलहाल जब तक इनका नया वाला घर तैयार नहीं होता ना इनको मैंने इधर रखा है। और इसके साथ ये देखें, अब मैंने कलरफुल इसलिए कर दिए क्योंकि यार ये एक ग्रीन है, देखें एक ग्रीन है और एक ब्लू है, ये वाला ब्लू में मैंने पानी रख दिया, ग्रीन में मैंने फीड रख दिया, ताकि यार मज़ा आए ना देखने में भी। मोहित यार जाली दे यार दोस्तों, यार हमारा एक स्टेडियम उड़ गया और यहाँ पे देखते हैं अब कहाँ गया, ये बैठा हुआ है, ये ऊपर बैठा हुआ है, ये अब कैसे निकला है, किस तरह निकला है, मोहित ने बताया कि यार बाहर आया हुआ है। अब हम इसको पकड़ें कहाँ से, ये तो इसको कौवे खा जाएंगे। ये अब जाके मास्टर केज में ये भी चेक करना है कि यार ये कहीं कहीं से निकल तो नहीं रहे। ओए यो देखो चिड़िया उसको मार रही है, चिड़िया उसको मार रही है बेचारे को, देखो यार चिड़िया से अगर ये मार खा रहा है फिर तो कौवा शुवा तो इसका एक नवाला बन जाएगा। ये इसको यार कहीं से उड़ाने की कोशिश करूँ कि यार उड़े और कहीं अंदर जाके लॉन में बैठे, क्योंकि अभी तो इस तरह तो ये उड़ नहीं रहा। इसको फेंक दो ऊपर, अगर हो सकता है इसके अंदर ही आ, ओए वो मैना सारे इसको मारना चाह रहे यार, बजा ओए उड़ा 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 उड़ा, ये बैठा है यार, छत से जाना पड़ेगा, ये किसका घर है। अरे मैं इनका नोक करता हूँ अगर ये जाने देते हैं। ये वो गली से उड़ के ना वापस अपने लोन में वापस आ गया। अब हमें यार मैंने वहाँ से कोशिश की थी, सामने वाले घर वाले ने दरवाजा ये खोलने में देर कर दी थी, देर में ये उड़ गया, इसी लोन के चारों तरफ ना वो घूम ही जा रहा है। लेकिन अब यार सबसे बड़ी टेंशन मुझे मास्टर केज देखने, हाँ मास्टर केज देखें कि वहाँ कहाँ से कहीं से वो है मसला, कहीं से वो निकल तो नहीं रहे। अगर यहाँ से कहीं से निकले हैं ना तो फिर इसका मतलब है कि सारी जगहों से, यहाँ देखें बाहर से देखें यार ये एक अंदर इन्होंने घर बनाया। पहले तो मैं उसको चेक करता हूँ, ये जो घर है ना इस पे मुझे शक है, पर यहाँ पर मुझे ना इंस्पेक्शन कैमरे से ना चेक करना पड़ेगा, यहाँ मेरी ऊपर से नज़र नहीं आ रहा कैमरे से। अगर आपको नज़र आ रहा है दूसरी साइड पे कुछ है तो नहीं, कोई दीवार शिवार कुछ ऐसा, कि यहाँ पर मैंने अक्सर जाते हुए देखा है इनको बजरीज को, तो ये यहाँ से कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ से निकलें, ये सिर्फ अंदर देखना है क्या है इन्होंने बनाया हुआ। या दूसरी तरफ एक नज़र इन जगहों पर भी मारता हूँ, जो दरख्तों के बीच में हमने जाली लगाई हुई है ना उनको भी देख लेता हूँ। ये तो सारी कवर है, इस तरफ कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। अब आगे इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ एक और दरख्त है ना, हमने यहाँ पर जाली लगाई हुई है, ये जाली यहाँ पर भी बंद है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। ये एक जगह मुझे कुछ थोड़ी सी खटक रही है, ये यहाँ से पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा ऊपर से कि यहाँ से तो नहीं निकले हुए। ये अब ऊपर से जाके मुझे चेक करना पड़ेगा कि वहाँ से तो नहीं निकले हुए। ये ले आया हूँ भाग के, आप ज़रा ना ऊपर चेक करता हूँ कि क्या मसला हुआ है। ये एक अलग डेंजरस सीन है कि ऊपर चढ़ना इसके ऊपर और ऊपर से चेक करना। ये वो जगह थी जहाँ से मुझे शक है कि यहाँ से निकल सकते हैं, क्या यहाँ से निकल सकते हैं, निकल सकते हैं भाई, यही है जो मेरा डाउट था ना, यहाँ से वो निकलते हैं। ये देखें आराम सुकून से ये आ जाते हैं, इस कोने में आए, ये देखें आ रहा है ना पूरा हाथ आ रहा है ना, तो यहाँ से ये आराम से निकल आते हैं ऊपर से, यहाँ से बंद नहीं है। जगह तो हमने पकड़ लिए, जितने गए वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जितने हैं वो हम बचा सकते हैं यार। थोड़ा सा यहाँ पर कपड़ा शपड़ा डाल के ना अब इसको सारा करना पड़ेगा बंद यहाँ से, ताकि बिल्कुल किसी तरीके से अब आने की कोशिश भी करें ना तो यहाँ से बाहर ना निकल सकें। उस तरफ पहले ईंट पड़ी थी, इस तरफ ईंट नहीं पड़ी हुई थी, एक ईंट यहाँ से उठाते हैं, ये भी यहाँ पर इधर आ जाएगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि अब नहीं कहीं से, क्योंकि यार ये बड़े चलाक निकले हैं यार, पर इन्होंने तो सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाई और हमें दिन में तारे दिखा दिए। टेंशन ये बनी हुई है, और सीढ़ियों को तो मैंने चेक कर लिया, लेकिन क्या मेरे कॉकटेल पूरे हैं, क्या मेरे प्लम हेड पूरे हैं, अब ये सारी चीज़ें भी मुझे ना टेंशन दे रही हैं। अब एक नज़र ना मुझे इनको भी गिनना पड़ेगा, जब मैंने ऑस्ट्रेलियन को यहाँ छोड़ा था ना तो कम से कम 100 ऑस्ट्रेलियन थे, यानी कि 50 पेयर, तो अब 50 पेयर में अगर काउंट करो ना तो टोटल 50 मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब समझे कि कितना मेरा नुकसान हो चुका है, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब किस तरह निकले हैं। अब ये 10 निकले हैं, 20 निकले हैं, गिने तो जा नहीं सकते। कॉकटेल के मैंने ना 5 पेयर छोड़े थे, यानी कि टोटल 10 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वो 7, 7 इस एरिया में है। ये रोनियो ये बैठा हुआ है, 8 हो गए। अब 2 जो हैं वो क्या किसी घर में है, इस घर में चेक करता हूँ। नॉक नॉक नॉक, कोई है तो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब नहीं होना। हाँ एक बैठा हुआ है, ठीक है ओके जी। एक कौन सा हो सकता है, रोक्सी हो सकती है दोस्तों। हाँ रोक्सी, रोनियो के साथ जो है ना
वो नहीं नजर आ रही, तो मुझे शक है रोक्सी उस वाले में होगी। क्या रोक्सी हो अंदर? मुझे नजर नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि यार ये काफी हाइट पे है और मैं नीचे हूँ, तो मुझे अभी फील नहीं हो रहा इसको। मुझे लगता है कुछ रख के चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तंग करने के बजाय इसको ना वीडियो में चेक कर लूंगा कि रोक्सी ही है। तीन प्लम हेड ये बिल्कुल हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक उस बॉक्स में थी। अब उस बॉक्स में भी हम कंफर्मेशन लेते हैं उससे, क्या अंदर ही हो? और इसको निकालें, और बैठी हुई है। हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्लम हेड और कॉकटेल पूरे हैं। बहुत सारी चीज़ें ना आज गुड न्यूज़ में आती जा रही हैं यार, यकीन करें। यहाँ से ना इतने ज़्यादा शोर में ना कभी मैं फील ही नहीं कर सका, मुझे आवाज़ ही नहीं आई। कोई नई आवाज़ आई है, कोई नए मेहमान आया है, पता ही नहीं चला। लेकिन जब मैं ये सर्च कर रहा था ना, तो मैंने एकदम से नए मेहमान देख लिए। कौन से हैं नए मेहमान? तुमने ये कारनामा कब सर अंजाम दिया? कम पाता दोस्तों। ये मेरा शहजादा लेडी डायना, गुस्सा ना करी, देख मैंने तेरा बहुत ख्याल किया। बिस्मिल्लाह। ये लेडी डायना की कॉपी आ गई। वापस इधर। ओए बिस्मिल्लाह। ये ले लेडी डायना मारने लगी थी। माशाल्लाह। हो और कितने लेडी डायना और हैं? लेडी डायना बाकी किधर हैं? छह तो ये हैं, तीन कंडे भी पड़े हुए अभी। यार अभी पड़े रहने देते हैं। लेडी डायना ने हमें खुश कर दिया दोस्तों। माशाल्लाह। इतने प्यारे प्यारे बबलू चिक्स आ गए लेडी डायना। ओ माशाल्लाह दोस्तों। यार ये एक और गुड न्यूज़ थी जो कि हमारी लेडी डायना कामयाब हो चुकी है। इतना बड़ा चिल्ला, इतना लंबा चिल्ला। अब नए मेहमानों को निकालता हूँ, लेकिन ये जो जिन हजरात है ना, इनको मैं ओ भाई क्या हो गया? क्यों छोटे गैंग पे हमला कर रही हो तुम? उन पर अटैक कर रही हो? पहले इनको बंद करना पड़ेगा, फिर मुझे ना खोलना पड़ेगा लेडी डायना और उसके बच्चों को। चल अंदर थोड़ी देर के लिए अंदर। चल तू भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए अंदर चलो। ओ ये परेशान हो गया, इसको हमारे घर में क्यों बंद किया? ओ इत्तेजाज हो गया यहाँ पर, ये गुस्सा हो गया मेरे पे कि हमारे घर में क्यों बंद कर दिया। ओए अब ये जिन को क्या करूँ? ये देखें ये साथ और भी आ गए, इनको मैं बाहर निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ और बहुत सारी दुनिया है। सुनियो मेरे दोस्त, ये ले तुझे आज मैं टाइम नहीं दे पा रहा, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक जाओ। तुम लोग भी आ जाओ सारे, सब अलग अलग बिजी हो जाओ ताकि मेरे नए बच्चों को तंग ना करो। इसको भी बंद करना पड़ेगा भाई। तू भी आ जा थोड़ी देर के लिए बंद हो जा। बसंती इधर आ जा। बसंती को भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि बसंती भी बच्चों को तंग करेगी। सिर्फ और सिर्फ नए मेहमानों को निकालना है बाहर। आ जाओ खाना खिलाओ अपने बच्चों को, बाहर निकालो भाई, वेलकम। यार दोस्तों जो तीन अंडे थे ना वो मैंने अभी निकाल दिए, मुझे नहीं लगता वो किसी काम के थे। तीनों अंडे भी ना स्मेल कर रहे थे, तो मेरा दिल गया कि मैंने उनको तो निकाल के ना साफ सी जगह बना दी इसके लिए। छोटा गैंग को ना इधर थोड़ा सा और डाल देता हूँ। छोटा गैंग इधर आओ। थोड़ा बच्चे तुम इधर खाओ। छोटा गैंग इधर आ जाओ। यार दुनिया बढ़ती जा रही है, कानूनी बड़ी होती जा रही है, बंदे में बंदा आ रहा है, बच्चे में बच्चा आ रहा है। की करा मैं कली जान, मैं कितने जावा, मैं किनू वेखा? बताने को बहुत कुछ था, लेकिन यार आज ना सारा प्लान ख़राब किया ना ऑस्ट्रेलियन ने, क्योंकि उसने मुझे दौड़े लगाई और आगे पीछे मेरा काफ़ी टाइम लग गया। खुली फिजा में सैम को लेके आया हूँ पहली दफ़ा। सैम आ जाओ। सैम यार पहली दफ़ा बाहर आया, अब सैम की फीलिंग क्या है ये मुझे भी नहीं पता। सैम घबराना नहीं है, इसी तरह तुमने बाहर आना है घर के बच्चों को, इतनी बड़ी दुनिया को, क्योंकि ये घर के अंदर एक कमरे के अंदर इसकी ट्रेनिंग जारी थी। ये देखें यार, ये बैठी हुई है इसकी मम्मा और ये सैम है मेरे पास। ये पप्पा जानी बैठे हुए हैं सैम के, तो सैम की मम्मा पप्पा से हमने ले लीजिए छुट्टी। सैम को हम ले आए थे अपने पास, तो सैम आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेन हो रहा है। जो ट्रेनिंग की वीडियो है ना, अगर आप लोग पसंद करते हैं ना, तो वो भी शेयर करूंगा। कोशिश कर रहा हूँ भाई इतना सी, अगर कामयाब हुआ तो मैं भी बल्ले भाई बल्ले और ये भी बल्ले भाई बल्ले, क्योंकि सैम ने ना मुझे बहुत सारी मुक्ते दी हैं दोस्तों। ये देख रहे हैं ये ट्रेनिंग के दौरान जहाँ जहाँ बैठता गया ना, मेहनत बड़ी होती है भाई, बड़े ज़ख्म खाने पड़ते हैं जीने के लिए, है ना। अब यहाँ पर आ गए दूसरे भी, शेरू भी आ चुका है और छोटा डॉन भी आ चुका है। स्वीटी इनके साथ एडजस्ट करती है या ये इनके साथ एडजस्ट करते हैं? अब देखते हैं। स्वीटी मेरे पास ही चली आ रही है यार। स्वीटी अभी थोड़ी सी, जब से हमारे पास आई है ना ये काफ़ी वीक थी, तो अब इसको इंशाल्लाह थोड़ा सा हमने ना हेल्दी करना है। कल वाले राउंड में जा रही है, वही बैक पे जाएगी जहाँ जहाँ इसने एक्सप्लोर किया था सब कुछ। हमने ना स्वीटी के लिए जो अब सेटिंग की हुई थी ना, वो देखें, पानी खाना और ये वाला क्वेश्चन यहाँ। अब ये देखें स्वीटी के बाल, यहाँ स्वीटी अब हर वक्त बैठी रहती है, खूब इंजॉय करती है, यहाँ उसने पी करनी होती है। अब स्वीटी निकल गई है बाहर घूमे फिरेगी, 10-15 मिनट बाद ना स्वीटी वापस आ जाएगी खुद ब खुद इस जगह पर। चीज़ें टेम होती जा रही है माशाल्लाह से, और एकदम से अटैक करने आती है यार। ये पकड़ना जल्दी से स्वीटी के लिए जो मैं फीड लेके आऊँ ना, तो फीड स्वीटी को दूँ भाई प्लीज़, थोड़ा सा रास्ता दे दो थोड़ी देर के लिए, स्वीटी का टाइम है। स्वीटी आ रहा हूँ बाहर नहीं आना। आज स्वीटी आ जाओ। ये लो स्वीटी का ना यार, ये एक टाइम का ये खाना है, कम से कम 4 से 5 बोटियाँ उसको चिकन की चाहिए होती हैं। स्वीटी सब गुस्से में आज, जब भी खाना खा रही हो ना कैट दोस्तों, उसको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, फिर वो
काटती है। सैम के लिए लेके आया था ये मैं छल्ला प्यार की निशानी, समझ गया ना, तो ये प्यार की निशानी होगी सैम के लिए, ताकि सैम हमारा दोस्त बन के रहे। सैम यहाँ इस मॉल का आदि नहीं होना चाहिए, सैम सिर्फ मेरा आदि होना चाहिए। क्यों सैम, ऐसा ही है ना, आ जाओ सैम और देखते हैं कि सैम इसमें कैसा लगेगा। ये जब यार रात को सोते हैं ना, ये यहाँ पर कभी हैंग हो जाते हैं, कभी यहाँ पर होते हैं, वो इनके वो पर नज़र आ रहे हैं आपको नीचे गिरे हुए, तो यहाँ पर यार ये अब इन पे किसी बिल्ली ने अटैक किया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर से भी बिल्ली आ गई ना तो अटैक करती है। ये हमारी यार एक थोड़ी सी ना, अब हमें समझ नहीं लग रही, हमें मसला आ गया। आप दोस्तों ने बहुत कहा कि यार इसको मास्टर केज में रखें, एंड मैं भी खप गया, तो हूँ इन मास्टर केज करिए, यही करना पड़ेगा दोस्तों। अब हमने इसको यहाँ से निकाल कर मास्टर केज में ही करना है। उड़े तो भी सेफ, जो आपने कहा था, लेकिन मेरा दिल था यहाँ पर अच्छा लगेगा, लेकिन अब हमें मजबूरन बाय हुक बाय क्रुक इसको अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। तो कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। जाने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए सब्सक्राइब की सूरत में, समझ गए हैं, समझ गए। अल्लाह हाफिज़।